हरिचंद ब्लॉग नन्नी ब्लॉग में हम आप लोग का स्वागत करते हैं दोस्तों। देखिए आज हम गोभी का मसालेदार सब्जी बनाएंगे। देखिए हमने गोभी को पहले से ही जो कि इसको बारी बारी से तोड़ लिए हैं, काट लिए इसको। देखिए और इसमें किरोना वा सब देख लिए है, किरोना नहीं है ना, और हम उसको काटेंगे। तो अब उसके लिए हम देखिए सब्जी बनाने के लिए हमारे पास क्या है, ये जो कि आलू ले चुके हैं और इसको हम भी छील दिए हैं। तो इसको हम कद्दूकस नहीं करेंगे, इसको हम काट लेंगे बारीक बारीक का। तो हमने ऐसे फाड़ दिए इसको और इसको ये एक बीच में फिर फाड़ लेते हैं ऐसे करके, और इसको हम ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा हिसाब से काटेंगे। किस तरह से काटे हम इसको सबको काटेंगे। और हम टमाटर भी लिए हैं, ये देखिए इसको भी सब कुछ डालेंगे हम। तो इसको भी ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, हिसाब से करते हैं। देखिए हमारा सब हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा पानी डाल लेते हैं धोने के लिए। तो इसको हम धुलाई मार लेते हैं अच्छे तरीके से, एक दो पानी से धो लेंगे। तो इसको हम चलते हैं तेल पे, इसका फ्राई करेंगे गोभी का। देखिए गाइस गोभी को हमने धो दिए, बढ़िया से रख दिए हैं। और देखिए देखिए यहाँ पे हम प्याज और लहसुन मिर्चा जो मसाला भी है हम सब कुछ कुछ को रेडी कर रखे हैं। एक कढ़ाइया भी रख दिए हैं। तो देखिए गाइस हमने कढ़ाइया रख दिए हैं इस पे, और इसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल डाल दिए हम, हमारा तेल गर्म होने वाला है। इसको हम फ्राई करते हैं हल्का से, इसको हम चला देते हैं अभी हल्का हाथे फ्राई करते हैं हल्का तेल में। तो देखिए गाइस देखिए इसका कलर बदल चुका है। देखिए 2 मिनट हो चुका है इसको हम फ्राई करते हुए, हमें इसको हम निकाल देते हैं। अब देखिए इसी तेल में हम डाल देते हैं लहसुन को पहले भुजने के लिए। देखिए लहसुन भुजा रहा है, तेल पूरा गर्म ही था पहले से। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं लहसुन को। और देखिए इसमें हम प्याज डाल लेते हैं, जो कि हमारा लहसुन फ्राई हो चुका है, तो हम प्याज को डाल लेते हैं इस तरह से। इसको भी हम चला देते हैं। इसमें मिर्चा भी डाल देते हैं, जो कि सूखा मिर्चा जो लाल वाला है उसको पहले से हम डाल चुके हैं उसमें, और इसको भी भून देते हैं कुछ टाइम से। तो देखिए हमारा जो कि लहसुन प्याज जो हम डाले थे वो हमारा भुजा चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं जो काट कर रखे पहले से, तो हम डाल दिए। और इसको भी कुछ टाइम तक हम उसको भून लेते हैं तेल में, फ्राई कर लेते हैं इसका भी हम। तो देखिए गाइस ये हमारा भी हो गया है। हम इसी के साथ साथ हमने आलू जो काट कर रखे हैं, ये देखिए आलू है, इस तेल में इसको भी भून लेते हैं। तेल में भून लेंगे तो इसका स्वाद कुछ अलग से होता है, एकदम मस्त लगता है एकदम खाने में। लेकिन तेल में इसको भी भून डालते हैं इसमें। देखिए हम कुछ टाइम तक इसको ढक्कन लगा देते हैं, इस पर ढक देते हैं इसको हम, एक आध मिनट तक उसको रहते हैं रहने देते हैं उस पर। देखिए हमारा समय हो चुका है जो कि 1 मिनट तक, तो इसको हम फिर ढक्कन को हटा देते हैं। हटाने के बाद इसको फिर हम एक बार चला देते हैं, ये लगा नहीं है। ठीक है, उसमें मसाला भी डाल सकते हैं तो मसाला डालते हैं हम। तो देखिए मसाला जो हम सब दिखाए हैं उसमें हम सब डाल देते हैं एक ही बार में, और इसको भी चला देते हैं हम, उसे मिक्स कर देते हैं इस प्रकार से। देखिए इसका कलर अच्छा बदल से चला जा रहा है। देखिए कपड़ा बदल गया है कलर ही, जो कि हमने हल्दी डाले थे, जो कि हमने अब देखिए गोभी को जो कि हमने फ्राई किए हैं तेल में, इसको भी इसमें डाल देते हैं, इसको भी चला देते हैं इसमें, मिक्स कर देते हैं इसको भी हम। ये हमारा देखिए जो कि मसाला जो डाले हैं हम लगने लगा है,
इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं फिर मसाला बुझाने भर के लिए। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिए जो कि अच्छे तरीके से मसाला भुजा जाए। उसके लिए तो देखिए गाइस ये कितना मसालेदार जो कि सब्जी हमारा बन रहा है। तो इसको एक बार हम ढक्कन लगा देते हैं जो कि पानी हल्का से डाले इसलिए तो हम ढक देते हैं इसको। देखिए गाइस हमारा 2 मिनट टाइम हो चुका है, इसको हम ढक्कन को हटाते हैं। ढक्कन को हमने हटा दिए। देखिए मसाला भी हमारा भुजा चुका है जो कि लगने भी लगा है। तो हमें सब्जी को इसको होने के भर के लिए पानी डालना पड़ेगा हमें जो कि ज़्यादा सूखा है इसलिए नहीं हो पाएगा। ये हमने 1 गिलास पानी डाले थे इसमें, हिसाब से पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी होना भी नहीं चाहिए। देखिए गाइस हमने पानी सब्जी को होने भर के लिए डाल दिए है। देखिए ये हो गया और इसमें हम सारा चीज डाल दिए हैं, कोई चीज बचा नहीं हमें। तब इसको होने के लिए हम फिर से ढक्कन लगा देते हैं, ढक के रख देते हैं 5 मिनट तक। उसके बाद उघाड़ेंगे इसको तो हमारा सब्जी हो जाएगा। देखिए गाइस जो कि हमारा समय हो चुका है 5 मिनट, हमने ढक्कन को हटा दिए हैं। इसको चला के देख लेते हैं एक बार। तो देखिए अभी हमारा सब्जी हुआ नहीं है जो कि अभी होने में कुछ समय है। देखिए अभी भाग जा रहा है तो अभी इसको अब फिर से हम ढक देते हैं कुछ टाइम तक, 2 से 3 मिनट तक आओ। देखिए गाइस हमारा समय हो चुका है, इसको हम फिर से हटा जो ढक्कन हमने हटा दिए हैं। देखिए जो कि सूखा सूखा हो गया एकदम, जो कि रोटी से भी खा सकते हैं चावल से। तो देखिए दोस्तों कितना मस्त हो गया एकदम मेरा सब्जी तैयार। देखिए कोई दोस्त हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और घंटी निशान दबा दे। देखिए गाइस हमारा सब्जी तैयार हो गया है। तो अपने ब्लॉग का सिर्फ समाप्त भी करेंगे और नेक्स्ट ब्लॉग भी मिलते हैं दोस्तों। तो मेरा प्यार भर आप लोग को जय हिंद।